शिक्षक जी अपने बात को अपने मंतव्य को रखने के लिए तो आगे तक कार्यक्रम बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के युवा जिलों में बच्चों को छोटे नन्हे प्यारे बच्चों को दिल में जगह बनाने वाले लोकप्रिय नेता हैं या एक परिवार से जुड़े हैं हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद जी अपने गंतव्य को रखेंगे कि उनसे अनुरोध है कि आप आए। धन्यवाद। आज माधोपुर में महापुरुषा अम्बेडकर जी 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर बड़े मुफ्ती भारतीय इंसान भी जयंती मना रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान साथी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने साथी दिनेश काशी नंदलाल काशी यहाँ के नौजवान साथी मुरली दास जी विक्रम दास जी देखु दास जी संजय जी दीपक नीरज प्रकाश जी आदि तमाम नौजवान अर्जुन जी सुरेश जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के स्थानीय रेणु कुमारी साथ में अजीत राघव जी और नौजवान साथी हर समय तत्पर रहने वाले यहाँ के नौजवान पूर्व पंचायत समिति के प्रतिनिधि रोहित पासवान जी सभी नौजवान साथी मित्रों मुन्ने बच्चे माता बहनों इस कार्यक्रम के तहत सबों को हार्दिक शुभकामना हार्दिक बधाई देते हुए मैं एक बार फिर बाबा साहब की याद के लिए सरकार एक बार खड़ा हो जाए लोगों में जो जुनून जज्बा है सामने प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब के लिए समर्पित हो जाए। बाबा साहब अमर रहे आज उस रूप में उनको याद कर
देश गुलाम हो चुके हैं, जंजीर से आजाद हुआ है, तो यह महसूस हुआ कि हम कैसे चल सकते हैं, कितना परेशानी आया है बाबा साहब के पास, लेकिन परेशानियां से कहीं झुके नहीं, झुके नहीं, गिरे नहीं, कदम से कदम चलन मिलाते चलते बने, और आज पूरा देश उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हर तरह का तत्पर आता है। आज जिस रूप में हम आगे दूसरे को प्रेरित करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनका देश है बाबा साहब। इसलिए हर इनके कदमों को, इनके पद चिन्हों को, इनके रचिता को अनुसरण करने का, काम करने का, हर नौजवानों के साथ एक दूसरे को पूरक रहने का एक, जिस रूप में बाबा साहब का जो देश दिया है, बनाया है, जिस तरह से ठीक है, अनुसरण करने का काम है, ये बाबा देन है, बाबा साहब का। आज बाबा साहब के ही अभी अजीत जी बता रहे थे उनकी जीवनी के बारे में विस्तृत रूप से दिनेश जी भी बताएंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा, जयंती तो हम लोग मनाते हैं लेकिन अनुसरण भी करते हैं, अनुसरण करना चाहिए। आज संविधान को हम लोग मानते हैं, संविधान को पूछते हैं, संविधान के अनुसार से चलते हैं, लेकिन अनुसरण करने का आग्रह भी हम लोगों को करना चाहिए कि बाबा साहब क्या कहें। आज जिस रूप में इनको झेलते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों के साथ एक आज जयंती के रूप में प्रदर्शित करने का मौका मिला है, एक दूसरे को पूरक रहने का मौका दिया है बाबा साहब ने, आज हम लोग उनके रूप में मनाते हैं, आज उसी रूप से हम लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, हर तरह से उनके साथ करते हैं, जितना झेलना पड़ा जिस रूप से उनको लगा, लेकिन आज आगरी पिछड़ी ऊंच नीच सबको एक साथ छोड़ करके चलने का राह दिखाने वाले बाबा साहब का जानकारी न लेकर के मैं आग्रह करता हूँ, तो इनका कदम से कदम पद चिन्ह का चलने का काम करेंगे, जिस तरह से बाबा साहब ने राह बताए हैं कि हम लोग को क्या कुछ प्रश्न करेंगे, आज हम लोग कहेंगे कि जिस पंचायत इनका संविधान में था, जितने संविधान में था, आप कैसे चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और आपको यही था कि आप एक स्वतंत्र पर लोकतंत्र देश के धर्मनिरपेक्ष देश के एक सिपाही हैं, आपका एक अधिकार है, लेकिन बंद संविधान के साथ था। मैं इस मंच से भी थोड़ा सा ये भी देंगे नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने आज दिया भीमराव अम्बेडकर को, जो हर चौक चौराहा पर विश्वास से हर कार्यालय में बाबा साहब का जयंती के रूप में आज भी सभी ऊर्जा सभी लोगों को पंचायत भवन और अपने चौक चौराहा पर वो भी भरोसा दिया कि बाबा साहब के कर्म कर्म पर चिंतन किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया, इसलिए उनको भी बधाई के पात्र देंगे, और हर नौजवानों को एक साथ कहेंगे कि कहता तो बहुतों मिला, कहता मिला ना कोई, जो बाबा साहब दिए हैं, जो बाबा साहब के संविधान के रचिता बने हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, यही अच्छा उनसे कहेंगे एक बार बाबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, अपने इस बातों को अपने गणतंत्र को रखे, इस प्रकार को रखे, जो हमारे यहाँ के नौजवान साथियों और माताओं बहनों को दिलों में उतर गया, और इस महत्वपूर्ण विचारों को अपने जीवन में उतारने का कष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि अपने बच्चे
प्रदान कर सके और अपने देश का, अपने गांव का, अपने समाज का विकास कर सके और आगे बढ़ सके। इसलिए माताओं से खासकर एक शब्द कहना भूल गए थे दिनेश जी, इस हम लोग का लगभग 4-5 वर्षों से जयंती मना रहे हैं और हम लोग चाह रहे थे इसको अम्बेडकर नगर के रूप में जाना जाएगा और प्रयास करेंगे कि यहाँ एक बाबा साहब का मूर्ति भी स्थापित करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हम लोग ऐसा सम्मेलन रचना का आभार करेंगे, प्रयास करेंगे, इसमें आपका भी सबका सहयोग होगा, इस तरह से हम लोग करेंगे और एक अम्बेडकर नगर के रूप में इसको बसाएंगे, यही आशा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपका प्रयास से ही हमारे समाज का उत्थान हो पाएगा, इसलिए बाबा साहब के बारे में अगर जितना भी बोला जाए कम होगा, क्योंकि उन्होंने केवल अपने समाज के लिए नहीं अपने देश के बारे में, आने वाले समय के बारे में ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से कहा जाए कि एक एक मोती को प्रयोग करके माला में तैयार किया जाता है, उस प्रकार से हमारे बाबा साहब ने एक महान लिखित जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं, अति सोच समझकर अति विचार विमर्श करके अपने दिमागों में सोचिए कितना मेहनत किए होंगे उनके पढ़ाई में, कहा जाए तो काम करके आते थे तो पढ़ाई में उनका इतना दिलचस्पी था कि पढ़ते पढ़ते सो जाते थे किताब को लेकर के, जब नींद उनका खुलता था तो उसका ध्यान में आता था कि ये मेरा तो टाइम बर्बाद ना हो जाए, हमको इतना पढ़ना है, इतना देश के लिए कुछ करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, हमारे समाज बढ़ पाएगा। तो उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम होगा, तो हम आगे का कार्यक्रम बनाते हुए हमारे समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ाने का काम करने वाले और अपने समाज को जागरूक करने वाले हमारे नंदलाल सर जी जो खेरवानी से चल के आए हुए हैं, वो भी अपना गणतंत्र को रखेंगे, उनसे अनुरोध होगा कि कुछ अपना वाणी को रखें। गांव मोहल्ले गली कुची में हर जगह इसका आज के लिए आज
और आप कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने तीन बिंदुओं पर बात किया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित तो बन गए, अब बन भी रहे हैं और संघर्ष भी करते चलते जा रहे हैं। लेकिन संगठित हमारा लोग और समाज हमारा संगठित नहीं है। तो संगठित होने पर हम लोगों को जोर देना है कि संगठित कैसे हो और एक साथ मिलकर के हम शक्ति को तैयार कैसे करें। इसलिए संगठित बनना जरूरी है। लेकिन एक चीज याद रखिए, बाबा साहब का तो उन्होंने बंबई था उठा गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो फिर छानो तो मानो, और दोस्त और दुश्मन को पहचानो अपनी इतिहास को मानो। तो क्या इस बात को अगर आप लोग अमल कर दीजिएगा तीन चीजों को कि पहले जानो फिर छानो तब मानो और दोस्त और दुश्मन को पहचानो। तीसरी बात कहा था कि अपनी इतिहास को जानो। तो क्या आज शिक्षित तो हो गए, कितने लोग अपनी इतिहास को जान रहे हैं। अपना इतिहास क्या होता है, खतियान संविधान, तो संविधान को भी जानो। तो मेरा कहना यही बात है कि बाबा साहब का एक हम इतने बात कहेंगे कि हम लोग को संकल्प लेना है। तो क्या बाबा साहब को रख करके क्या संकल्प किए, उपस्थिति में संकल्प किए। तो मेरा कहना है कि एक संकल्प लो, हम अपने तरफ से हम बात कहेंगे और दोहरा दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को संकल्प लेना है, बाबा साहब ने संकल्प किए थे, संकल्प को दोहराना। थोड़ा सा एक मिनट के लिए आप लोग थोड़ा दोहराइएगा तो हम खुद कहेंगे आप लोग थोड़ा दोहरा दीजिएगा। नमो तस्य भगवतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्य भगवतो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं धर्मं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि, गच्छामि, संघं संघं शरणं गच्छामि, गच्छामि। बाबा साहब अमर रहे, बनाए रखें ताकि हमारे समाज के हमारे परिवार के लोग इस विचार को आगे की ओर बढ़ा सके। तो हमारे समाज के आशीर्वाद कहें या हमारे समाज को उत्थान की ओर ले जाने के लिए हरदम प्रयासरत, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और हमारे
नीतीश कुमार जी से अनुरोध होगा कि आप भी मंच की ओर आना रखते हैं, गणतंत्र को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालन करने हमारे भाई मन दर्शी इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि राजेंद्र जादव जी हमारे बीच विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष भाई आनंद लाल दास जी इस काल में हमारे साथी युवा समाज के बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाने वाले मानव के तमाम साथीगण इस गांव के तमाम हमारे माताएं बहने छोटे छोटे बच्चे और समाज सभीगण